गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजनरिच एजुकेशन में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। एलिमेंट ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12। क्लास 12 में खास करके ये गुजरात बोर्ड में तो है ही और दूसरे में क्लास 12 में आता है और कभी कभी फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी आता है कुछ टॉपिक इसके। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप हमें सीखना है, उसके अंदर टेक्स्ट बुक जो है गुजरात बोर्ड की उसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है गुजराती इंग्लिश और हिंदी मीडियम तीनों के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा। तो गुजराती और इंग्लिश, गुजराती और हिंदी मीडियम वाले, सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए, ना हो तो गुजरात बोर्ड की साइट पे से डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ पे उदाहरण नंबर 9 हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो जो लिंक है डाउनलोड करने की वो भेज सकूँ, इसके मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख सकूँ। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप लोग 2 से 3 कम से कम 3 बार गुजराती मीडियम हिंदी मीडियम वाले तो पढ़ ही लें, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लें। यूसुफ हारून एंड कोडा वाला आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। पहले जो जो भी दिया हुआ है हम लिखते जाएंगे। यूसुफ हारून एंड कोडा वाला, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ध्यान रखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है या कैपिटल रेशियो दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर कैपिटल का रेशियो होगा तो कैपिटल का हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमें कुछ चीजें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ध्यान में लेकर करना होता है और कुछ चीजें कैपिटल के रेशियो को ध्यान में लेकर करना होता है। तो यूज कैपिटल मतलब मूड़ी, मूड़ी मतलब पूंजी, पूंजी मूड़ी खात के प्रमाण को ध्यान में लेके कुछ चीज करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर पार्टनरशिप में हमें उसका प्रॉफिट लॉस जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ध्यान में लेके ही करना होता है। तो यहाँ पे उसका प्रपोर्शन दिया है 3:2:1, लेकिन नाम क्या है, यूसुफ हारून एंड कोडा वाला, यूसुफ हारून एंड कोडा वाला। अभी कुछ दिनों पहले ही ये सवाल शायद मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था पूछने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो आ गया, उनकी बारी आ गई, देख लीजिए। तो यहाँ पे है 3:2:1, तो उसका रेशियो है 3:2:1, मतलब प्रोपोर्शन है 3:2:1। हम क्या करते हैं, या तीनों का टोटल करके बाजू में भी लिख देंगे और उसके डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। यूसुफ एंड हारून हैव given assurance to Kodawala to give minimum 36,000 from profit if for the year ending on 31st March 2016 total profit of the firm was 1,80,000, how profit will be distributed among the partners। यहाँ पे हमने जो टेबल बनाया उसी का हम यूज कर लेंगे। तो यूसुफ हारून एंड कोडा वाला दिया हुआ है। अभी नॉर्मली क्या होगा कि जो 30 मतलब टोटल 1,80,000 जो प्रॉफिट दिया उसको हम पहले शेयर कर देते हैं, बाद में उसकी कंडीशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली 1,80,000 को शेयर कर देते हैं, प्रॉफिट शेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1,80,000 मल्टी, पहले हम क्या है तीनों का जो डिवीजन में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 30,000 और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 × 3 90,000 इसको मिलना चाहिए, 30,000 × 2 60,000 इसको मिलना चाहिए और 30,000 × 1 30,000 इसको मिलना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं कि भाई जब कोडा वाला था तो कोडा वाला को उन्होंने बोला, कोडा वाला ने बोला कि भाई मेरे को तो देखो कम ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा ही करूंगा। आप लोग बोल रहे हो कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है लेकिन मेरा सालाना खर्च जो है मिनिमम 36,000 तो मेरा सालाना खर्च है, महीना 3,000 तो मेरे को चाहिए होता है, तो सालाना 36,000 तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो ये दोनों जो है यूसुफ एंड हारून उन्होंने उसको कमिटमेंट किया क्या उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, मतलब उन दोनों उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, डीड में लिखा होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि यूसुफ एंड हारून हैव गिवन एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब उसको विश्वास दिलाया, तो कोडा वाला एश्योरेंस दिया मतलब उसने
या तो किसी किसी ना किसी तरह से उसको भरोसा दिलाया, और भरोसा आजकल ऐसे ही नहीं होता है, बिना लिखा पढ़ी भरोसा नहीं होता है, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया कोडा वाला टू गिव मिनिमम 36,000 फ्रॉम प्रॉफिट। तो ये दोनों ने इसको 36,000 देने का वादा किया था, मतलब कमिटमेंट किया था या फिर एश्योर विश्वास दिलाया था, तो इसको तो 36,000 मिलना चाहिए भाई। तो इसको कितना कम पड़ रहा है कि ये 36,000 इसको मिलना चाहिए लेकिन इसको पड़ रहा है कम, तो कितना कम पड़ रहा है भाई? तो यहाँ पे उसको -6,000 कम पड़ रहा है। तो 6,000 जो कम पड़ रहा है, ये 6,000 कौन देगा? तो 6,000 यही दोनों देंगे। तो कितना देंगे ये दोनों? ये क्या ये और ये 3,000 दे देंगे, आधा आधा? नहीं भाई, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 उन दोनों का, उसके हिसाब से देंगे। तो अभी यहाँ पे 6,000 को ये इन दोनों का जो रेशियो है 3:2, उसमें उसको डिवाइड कीजिए। जब आप 3:2 करने जाओगे तो यहाँ पे 6 की जगह पे हो जाएगा 3/5 एंड 2/5, क्योंकि 3 और 2 का प्लस होता है 5। तो 6,000 को 3:2 में डिवाइड कीजिए, तो 6 मतलब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो 6,000 मल्टीप्लाई 3/5, यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 1,200 इंटू 3, 3,600। यहाँ पे माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे 2, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे 22,400 यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके इसको देंगे। या फिर इसको ऐसा समझा जाए कि इसको 6,000 ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे इसमें से ये माइनस करे तो माइनस में आ रहा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस में आना चाहिए। तो क्या माइनस करेंगे यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 60,000 में से 2,400 वो उसको दे देगा, तो इसको कितना मिलेगा? तो इसको मिलेगा 60,000 माइनस 2,400, मतलब 57,600, एंड इसमें से ये इतना वो उसको दे देगा, तो 86,400। तो इन दोनों को इतना मिलना मिलेगा शेयरिंग में, और इन दोनों को और इसको इतना मिले 36,000 मिलेगा। तो यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ पे ये यह है कि 6,000 जो बच रहा है, घट कम हो रहा है, वो ये दोनों कमिटमेंट कर रहा है, तो ये दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिवाइड कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। तो एक्चुअल ये हो गया हमारा एक्चुअल एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब निश्चित, मतलब एक्चुअल मतलब सही में इतना इन लोगों को मिलेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे कभी कभी क्या क्वेश्चन होता है कि यूसुफ और हारून दोनों ही उसको कमिटमेंट नहीं करते हैं, दोनों उसमें से केवल यूसुफ कमिटमेंट करेगा, तो 36,000 पूरे का पूरा इसमें से माइनस होगा 90,000 में से, है ना? इसको हम थोड़ा मैंने लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, अगर हम पहले ये अमाउंट बीच में लिख देते तो भी चलता, है ना? तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि समझ लीजिए यहाँ पे उसको 36,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है कितना? 30,000। तो कितना कम पड़ रहा है? 6,000 प्लस करने पर इतना होगा। अभी ये 6,000 को यहाँ पे 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हमारा कितना आया था, यहाँ पे 3,600 होगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ा तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 2,400, और यहाँ पे आया था हमारा 84,400, और यहाँ पे आएगा था 57,600, ठीक है ना? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, 86,400। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग है।